हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम एक नई स्पेशल ट्रिप शुरू करने वाले हैं, और ये इंटरनेशनल ट्रिप होने वाली है। हम लोग जा रहे हैं कंबोडिया और थाईलैंड। यस, कंबोडिया में हम नॉमपे और वहाँ का फेमस अंकोरवाट जाएंगे, और थाईलैंड में हम जा रहे हैं क्राबी, फूके, पटाया और एंड में बैंकॉक। तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। हम 9 फ्रेंड्स हैं, उसमें से 7 फ्रेंड्स हम आज मिल के जाएंगे कंबोडिया, और फिर 2 फ्रेंड्स हमारे हमें पटाया में मीट करेंगे। मेरा ये ट्रिप ऑलमोस्ट मिस हो गया था, तो इसके बारे में एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा मैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, ज़रूर देखिएगा। अगर आप इस चैनल में नए हो तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे अपडेट्स आने वाले हैं। तो मिलते हैं, अभी हम जा रहे हैं एयरपोर्ट। मैं पुणे से बॉम्बे आ गया हूँ, अभी हमारी फ़्लाइट आज 12 बजे रात की है, तो अभी मैं एयरपोर्ट के लिए निकल रहा हूँ, मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मॉर्निंग फ्रेंड्स, और हम कंबोडिया पहुंच गए हैं नॉमपे। फ़्लाइट मिस हो जाती है आज, काफ़ी कुछ सीखने मिला। मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा उसके बारे में, डिटेल वीडियो कि ट्रांज़िट वीज़ा कितना इम्पोर्टेंट है आज पता चल गया। बट फिर भी हम कैसे तैसे करके फ़्लाइट पकड़ लिए। मेरा तो लकीली ट्रांज़िट वीज़ा बन गया था, बट मेरे फ्रेंड्स लोगों ने नहीं लिया था तो उनको लेना पड़ा। बट हमारा फ़्लाइट का गैप भी 2 घंटे का था। सो आई एडवाइज़ दैट आप अगर कंट्री टू कंट्री जा रहे हो या फ़्लाइट्स कनेक्टिंग लेते हो, सो इट्स ऑलवेज बेटर दैट यू हैव अ गैप बिटवीन 2 फ्लाइट्स, अदरवाइज देयर इज अ चांस दैट यू विल मिस इट। सो अभी हम जाएंगे सियाम रीप, जगह है जहाँ पे हमने होटल बुकिंग की है, और वहाँ से फिर कल हम अंकोरवाट की तरफ जाएंगे। हमने यहाँ पे एक सिम कार्ड ले लिया है इंटरनेट के लिए, अभी हम गाड़ी की तरफ जा रहे हैं। बहुत गर्मी है यहाँ पे, जैकेट वैकेट उतारना पड़ेगा, इट्स टू सल्ट्री। वो एक्सपेक्टेड ही था, बट कैसा है ये बारिश का अभी महीना है तो बारिश भी होती रहती है। सो अभी देखते हैं आगे चल के क्या क्या देखने मिलता है रास्ते में। गाड़ी में बैठ गए हैं, ट्रिप स्टार्ट हो गई है। यस, सब लोग ऑल फ्रेंड्स। बहुत ही लग्जूरियस कार्स दिख रहे हैं हमें, बैक टू बैक। यूट्यूब चालू है भाई, देखिए। अरे इतने प्रेजेंट जी टोयोटा का चालू है, मॉडल्स हमें दिखेंगे भी नहीं इंडिया में। यहाँ पे लेक्सस तो ऐसे दिख रहे हैं जैसे कि बहुत ही कॉमन है। ये देखिए ये ब्लैक गाड़ी कितनी अच्छी है। हमें बजाज की ऑटो भी देखने मिले यहाँ पे, हमारा भारत महान। और यहाँ पे वेल मेंटेन्ड टोयोटा की गाड़ियाँ सेल पे है, सेकेंड हैंड। काफ़ी सारे वैरायटीज दिख रहे हैं टोयोटा के। लोकल स्टोर आए हैं, नुम पाव। I eat in Vietnam. The same. Same. This looks like momo. Yeah, look like momo. But bigger size. Yeah. And we have chicken inside. Some we have chicken, some okay. We have pork. Okay. Yeah. इसे स्पाइडर मार्केट कहते हैं। अलग अलग टाइप के वेराइटी ऑफ स्पाइडर्स दिखेंगे यहाँ पे, ड्राइड सब कुछ। हम तो यहाँ कोकोनट वाटर ही पियेंगे, वहाँ दिख रहा है अच्छा ग्रीन ग्रीन। So you are making pet? Yeah.
making the spider pet? Yeah. Where you got from? Jungle? In Thamade, okay. Scary. हम सब यहाँ देख रहे हैं यहाँ क्या क्या मिलता है. हम फ्रूट्स खाएंगे. वन वॉर्म दे हैड द द द दे हैड द टेक फ्रॉम द द वुड. ओके द फ्रॉम द वुड दे कट द वुड एंड दे स्टे इन द वुड. ओके ओके या एंड दिस वन इज फ्रॉग. फ्रॉग? यस फ्रॉग. ओके वी पुट समथिंग लाइक ओनियन मैरिनेट मैरिनेशन कैबेज. And we have like lemon grass. Okay. Yeah, and a little bit lemon put inside. Then we have barbecue. Oh. Yeah. You think a bird? ये देखिए ये forest में से एक bird का egg है और ये ducks के eggs हैं. Boil करके उन्हें दिया जाता है. Weather यहाँ पे pleasant ही है. गर्मी तो नहीं बोलूँगा मैं. हवी हवा चल रही है. और ये देखिए यहाँ पे एक दूसरे टाइप का ही कुछ, ये बेसिकली ग्रेप फ्रूट जैसा ही दिख रहा है. रंबूतान ने सामा गए. दिस इज व्हिच फ्रूट? रंबूतान. रंबूतान. ये रंबूतान इज इट्स कॉल्ड केम्बो येलो को लोको फ्रूट. एंड दिस वन इज कॉल्ड दिस वन अनंगे हेल क्रोए क्रोए के फाइबो क्लब. वी कॉल इट ग्रेप फ्रूट. ये ग्रेप फ्रूट. ये ग्रेप फ्रूट. ग्रेप फ्रूट. Yes. Very sweet. Yes. Not sweet. But not it's sweet. A big one. Small ones are sweeter. This is this. Scorpion. This one is scorpion. Yes. Oh, scorpion. This is great. This is which egg? And this is cockroach. Cockroach. Yes. Yeah, cockroach. Oh. Deep fried. They are alive. Yeah, okay. They are moving. Yeah, they move. These are those this crickets. One is cricket. Crickets, yes. Yeah, cricket. Crickets. Small one and this one is a big, big one. Yes. Jackfruit. Jackfruit. Yeah. Okay. These are dried. Yeah, the dried one. You can taste one. Yeah. Oh. Would you like potato, sweet, and then the seed like we get these also there. Okay. Oh, okay. Mm. Get a jackfruit. Jackfruit ka dried jackfruit ka chips. Yeah. What is this? Sand. One photo. This one is toto. 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 Okay. लंच किया अरुण रस रेस्टोरेंट. अरुण का मतलब होता है सूर्य. मॉर्निंग जो सनराइज़ होता है उसके बेसिस पे इन्होंने नाम रखा है अरुण रस. खाना काफ़ी अच्छा था. यहाँ पे थोड़ा माइल्ड टेस्ट है. नमक थोड़ा कम खाते हैं यहाँ पे. इट्स मोर टूअर्ड्स द स्वीटर साइड. और ये पीछे देखिए यहाँ पे एक अच्छा मॉन्यूमेंट है. काफ़ी अच्छा. ऐसे बहुत सारे रास्ते में हमें दिखे. आर्किटेक्चर बिल्डिंग्स काफ़ी अच्छे हैं. और अभी हम हाफ वे आए हैं और यहाँ से और अनदर 3 hours एंड वी विल रीच आवर डेस्टिनेशन. तो आज काफ़ी हेक्टिक हो गया है. कल रात से ही ठीक से सोए नहीं हम क्योंकि फ़्लाइट पूरी रात थी. फिर सवेरे स्ट्रेस था ट्रांजिट वीज़ा का पूरा. बट लकीली एवरीथिंग वेंट ऑफ वेल. सो वी आर फीलिंग गुड नाउ after having a good lunch and now we'll continue to our destination. You can see the greenery here. Abhi just monsoon khatam hua hai to yahan pe greenery kafi acha dikh raha hai.
बेयानेरा होटल, वाह वाह, ट्रेडिशनल ऑथेंटिक होटल दिख रहा है, मस्त है ये बिल्डिंग से. एंड वी फाइनली रीच्ड आवर होटल एक बहुत ही लंबे सफर के बाद. अभी हम थोड़ा चेक इन करके रेस्ट करेंगे, बहुत ही थक गए हैं सब लोग. वेलकम ड्रिंक मिला है और मच नीडेड फेस टॉवल्स जब सलीम ने यूज कर रखे ना भाई, ये बहुत अच्छा है, रिफ्रेशिंग, जबरदस्त एकदम. और थोड़ी देर रेस्ट के बाद हम निकले हैं नाइट लाइफ थोड़ा देखने के लिए, कंबोडिया में कैसा रहता है. तो यहाँ पे एक पब स्ट्रीट है, वहाँ हम जाने वाले हैं अभी. यहाँ से कुछ अराउंड 50 मिनट्स का वॉकिंग है, सो लेट्स सी वहाँ पे क्या देखने मिलता है. नाइट लाइफ इज़ वेरी फेमस इन थाईलैंड, बट आज सैटरडे नाइट है, सो कंबोडिया में भी हमें कुछ ना कुछ देखने मिलेगा. अच्छा, पब स्ट्रीट आ गए हैं आप. यहाँ पे आप देख सकते हो आज सैटरडे नाइट है तो काफ़ी हलचल है. पीछे भी देख सकते हैं, आगे और भीड़ है काफ़ी. हम अभी वहीं जा रहे हैं, राइफल शूटिंग देखने मिलेगा. दरिया शॉप हिंदी, यस. कपड़े हैं काफ़ी सारे, हैट्स हैं, बैग्स हैं, जो देखो आप सब कुछ है. आराम से आराम से. खाने पीने के तो बहुत ही सारे आउटलेट्स हैं, बहुत ऑप्शंस हैं. यहाँ पे हम फिश थेरेपी भी देख सकते हैं. ये देखिए फिश थेरेपी हो रहा है. मैंने आज एक बहुत ही अच्छा अरोमा थेरेपी मसाज भी लिया होटल में, बहुत ही रिलैक्सिंग था. उसके बाद आके हम थोड़ा रेस्ट किए और अब हम रात को निकले हैं. अभी रात के 10:30 बजे हैं, ज़्यादा टाइम तो हम नहीं स्पेंड कर पाएंगे यहाँ पे, बिकॉज कल सवेरे जल्दी निकलना है. हमारा मेन अट्रैक्शन जो है अंकोर वाट वहाँ पे. सिंस इट वॉज अ वीकेंड, द पब स्ट्रीट एट सी एम रीप वॉज बसलिंग विद एनर्जी. न्यूमरस बार्स एंड क्लब्स लाइन द स्ट्रीट्स, ऑफरिंग एवरीथिंग फ्रॉम लेट बैक लाउंजेस टू वाइब्रेंट डांस फ्लोर्स. वेदर यू प्रिफर सिपिंग कॉकटेल्स, लिसनिंग टू लाइव म्यूजिक और डांसिंग द नाइट अवे, देयर इज अ वेन्यू हियर फॉर यू. इफ यू आर अ शॉपिंग एंथुजियास्ट, पब स्ट्रीट वोंट डिसअपॉइंट. द नाइट मार्केट्स एंड सोवेनियर शॉप्स हियर आर परफेक्ट फॉर पिकिंग अप यूनिक हैंडीक्राफ्ट्स, आर्ट वर्क एंड सोवेनियर्स टू रिमेंबर योर ट्रिप बाय. पब स्ट्रीट इन सियाम रीप इज अ प्लेस वेयर कल्चर, क्विजीन एंड नाइट लाइफ कन्वर्ज. Whether you're looking for a memorable meal, an unforgettable night out, or a glimpse into Cambodian culture, Pub Street has it all. We decided to have some freshly cut fruits ice cream after dinner. Even though our trip began with a lot of excitement, it almost turned into horror at Bangkok airport after learning about the transit visa and its requirements. Luckily for us, all went well and we reached our destination. The massage we took at the hotel really rejuvenated all of us to enjoy the rest of the evening. Traveling is often romanticized as a delightful escapade filled with picturesque landscapes and unforgettable experiences. However, not all days on a trip are filled with sunshine and laughter. Some days can be physically and emotionally exhausting, testing our patience and resilience. This day definitely left us with some valuable lessons and memories. End of the day, we were all tired after an exhausting journey. We headed back to the hotel for a good night's sleep, filled with excitement to visit Angkor Wat the next day. Stay tuned for the upcoming videos of the entire trip. This is Aub signing out. Take care and bye-bye.